नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय सामान्य ज्ञान जिसमें चैप्टर नंबर 20 समान आकृति पहचान उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम जो हमें आकृतियाँ दी गई है उसमें से समान आकृति ढूंढकर उसको जानेंगे पहचानेंगे। एक ही जैसी बहुत सारी आकृतियाँ दी गई है उसमें से हमें समान आकृति पहचाननी है। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है कि चित्र दिया गया है, इस चित्र से समान सेम यानी कि इसके जैसी समान आकृति आपको ढूंढनी है। इसमें देखिए, इसमें अलग है, यहाँ का जो निशान है वैसी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लास्ट वाला जो डी है इसमें सेम यही चित्र है, इसलिए आपका जवाब आया डी। वैसा ही कुछ करना है हमें यहाँ पे। यहाँ पे स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आकृति दी गई है मछली की है, वैसी सेम आकृति बी में, ऐसा आपको समान आकृति ढूंढकर बतानी चित्र और इसकी समान आकृति। पहले में ये है बी, दूसरे में सी, तीसरे में सेम आकृति है हमारी ए यानी कि ये वाली, ये वाली समान आकृति है। फिर है चौथे प्रश्न में, चौथे प्रश्न की समान आकृति है डी यानी कि इसके जैसी दूसरी आकृति कौन सी है, डी। फिर बी, बी इसमें सी, आठवें प्रश्न में है ए। सब आपको आकृति समान जैसी ही लगेगी लेकिन आपको अलग आकृति ढूंढकर ही बतानी है। जैसे कि ये नवे में भी आया है इसकी वैसे ही समान आकृति है इसी। दसवें प्रश्न में है आपका डी, ग्यारहवें में है डी और बारहवें में है सी। तेरहवा प्रश्न जिसमें समान आकृति है हमारी सी, चौदहवा प्रश्न में डी और पंद्रहवें प्रश्न में समान आकृति है टी। ये आपका चैप्टर नंबर 20 हो गया। इसमें हम सीखे हैं समान आकृति वाले चित्र को पहचानना। कहना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो प्रश्न में जो चित्र दिया गया है ऐसे ही आपको एग्जाम में भी एक चित्र दिया जाएगा। उसके संबंधित चार ऑप्शन दिए गए वे भी समान जैसे ही है, आपको उसको ध्यान से देखना है और समान आकृति पहचान कर बतानी है। इसी के साथ हमारा 12वां चैप्टर यहाँ 20वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।